हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना नर्सिंग में। और आज हम बात करने वाले हैं कैल्शियम के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो कैल्शियम होता है उसका क्या फंक्शन होता है, इसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति को कैल्शियम की जरूरत होती है। और ये कैल्शियम स्टार्टिंग से लेके लाइफ जब स्टार्ट होती है तब से लेके लाइफ के एंडिंग तक इसकी जरूरत पड़ती है। तो अगर हम देखें इसके फंक्शन के बारे में, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कैल्शियम होता है इसका कितना परसेंट हमारे बॉडी वेट में पाया जाता है। तो अगर हम देखें कि अगर हमारे बॉडी का वेट, अगर बॉडी वेट 100% है, तो 100% का जो 2% होता है, 2% होता है, ये कैल्शियम की वजह से होता है। मतलब कि अगर 100% हमारे बॉडी का वेट है तो 2% किसकी वजह से होगा? कैल्शियम की वजह से होगा। अब अगर इस 2% को हम 100% माने, तो 100% का जो 99% कैल्शियम होता है ये हमारी बोन्स में एंड टीथ में पाया जाता है। मतलब कि जो दांत होते हैं और हड्डियां होती हैं वहां पे 99% कैल्शियम जमा होता है। इसके बाद जो 1% बचता है, क्योंकि हम 100% पे बात कर रहे हैं, तो जो 1% बचता है ये जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, एंड बॉडी फ्लूड होता है उसमें पाए जाते हैं। तो 2% हमारे शरीर के बॉडी वेट का क्या होता है? कैल्शियम होता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला खनिज लवण होता है हमारे शरीर में। तो अगर हम देखें इसका फंक्शन, मतलब इसके कार्य, तो फर्स्ट है इसमें फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मतलब कि जो हड्डियों के बनने की प्रक्रिया होती है, हड्डियों का निर्माण होता है, उसके लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। तो जब कोई भी बच्चा गर्भ में रहता है, यूट्रस में रहता है, तो उस दौरान जब उसकी हड्डियों का विकास होता है तो उसमें जो भी सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं प्रोटीन मैट्रिक्स, अब ये जो प्रोटीन मैट्रिक्स होता है ये कार्टिलेज के फॉर्म में रहता है, और इस वजह से जो बच्चे की बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा लचीली होती है, नरम होती है, मुलायम होती है। आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां टूटती नहीं है बल्कि वो बेंड होती है, मतलब वो मुड़ जाएंगी लेकिन टूटेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियों में कैल्शियम नहीं होता है बल्कि वो प्रोटीन मैट्रिक्स होता है, और प्रोटीन मैट्रिक्स कार्टिलेज के फॉर्म में होता है जिसकी क्वालिटी होती है कि बहुत ही लचीला होता है, और इस वजह से बच्चे की हड्डियां नहीं टूटती हैं। बच्चे का हाथ पैर मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। इसके बाद जब ये प्रोटीन मैट्रिक्स कड़ा होना शुरू हो जाता है, जब बच्चा अब बड़ा होने लगता है तो उस दौरान जो प्रोटीन मैट्रिक्स है अभी कड़ा होना शुरू हो जाता है, तो प्रोटीन मैट्रिक्स को टाइट होने के लिए, कड़ा होने के लिए बहुत सारे खनिज लवण अब इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जो बोन्स होती हैं उनमें। अब जब वो खनिज लवण इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं तो उनमें कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, तो इसमें जरूरत पड़ती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की, अब ये जो कैल्शियम और फास्फोरस होते हैं ये मिलके बनाते हैं कैल्शियम फास्फेट, जिसकी वजह से जो हड्डियां होती हैं ये कठोर हो जाती हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है कैल्शियम और फास्फोरस के मिलने से जो कैल्शियम फास्फेट बन रहा है इसको बोलते हैं कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो बोन्स होती हैं वो मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। ये पहला काम होता है कैल्शियम का। नेक्स्ट इसमें सेकेंड है फॉर्मेशन ऑफ टीथ, मतलब कि दांतों के फॉर्मेशन के लिए, दांतों के बनने के लिए, उनके निर्माण के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। जैसे इसके पहले हमने देखा था कि जब कैल्शियम एंड फास्फोरस मिल रहा था तो बन रहा था कैल्शियम फास्फेट, उसी तरह से जब कैल्शियम एंड हाइड्रोक्लोराइड मिलते हैं तो बनता है हाइड्रोक्सीपेप्टाइड। तो ये जो हाइड्रोक्सीपेप्टाइड होता है ये हड्डियों के बनने के साथ साथ जो दांतों का निर्माण होता है, दांतों के जो इनेमल होते हैं, दांतों के जो
इनेमल होते हैं और डेंटाइन होता है, इसमें भी ये मेन रोल प्ले करते हैं। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है या फिर यूँ कहें कि कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है, क्योंकि अगर फास्फोरस नहीं है सिर्फ कैल्शियम है तब भी यहाँ दिक्कत होती है, प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है। तो कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस का होना जरूरी है हड्डियों के निर्माण के लिए भी और दांतों के लिए भी। लेकिन दांतों में मेन रोल कौन प्ले करता है, जो कैल्शियम और हाइड्रोक्लोराइड होता है ये मेन रोल प्ले करता है। जो दांतों का इनेमल होता है और दांतों का डेंटाइन होता है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो दांत होते हैं ये टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, कमजोर निकलते हैं या फिर छोटे बड़े निकलते हैं, इररेगुलर शेप में निकलते हैं, तो ये सारी समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। तो अगर बच्चे में कैल्शियम की कमी है तो दांत देरी से भी निकलते हैं और साथ ही डल निकलते हैं और कमजोर निकलते हैं। नेक्स्ट इसमें थर्ड है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, मतलब शरीर के वृद्धि और विकास के लिए भी कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है जो प्रोटीन होता है वो प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। प्रोटीन के एब्जॉर्प्शन के लिए, प्रोटीन के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। तो अगर कैल्शियम की डिफिशियंसी हो रही है तो प्रोटीन की डिफिशियंसी भी हो जाती है। तो प्रोटीन का काम होता है कि हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में हेल्प करता है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो प्रोटीन भी प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाता है। इस वजह से इसका सीधा प्रभाव है कि अगर कैल्शियम की कमी हो रही है, बच्चे की जब ग्रोथ की स्टेज होती है, जब उसके बढ़ने की उम्र होती है, अगर उस दौरान उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो बच्चे का जो वृद्धि और विकास है वो दोनों रुक जाता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। साथ ही जो उसका बोनी स्ट्रक्चर है वो भी खराब हो जाता है क्योंकि उसको प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, मतलब कि जो ब्लड होता है, खून होता है, उसके जमने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी कैल्शियम हेल्प करता है। आपने देखा होगा कि जब कहीं पे कट जाता है नॉर्मली तो वो 2 से 4 मिनट के अंदर ही जम जाता है, वहां पे ब्लड जम जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, ये कैल्शियम की वजह से होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो फिर जो खून के थक्के की बनने की प्रक्रिया है वो नहीं होगी, कंटिन्यू ब्लीडिंग स्टार्ट रहेगी। तो जो कैल्शियम होता है ये किस तरह से अपना फंक्शन करता है, तो अगर हम देखें तो जो कैल्शियम के प्लेटलेट्स होते हैं ये जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उससे बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये बनाते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है कि कैल्शियम एंड विटामिन के साथ मिलके जो प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में बदल देता है। थ्रोम्बिन में बदल देता है। अब ये जो थ्रोम्बिन होता है ये क्या करता है, अब ये थ्रोम्बिन जो ब्लड प्लाज्मा की प्रोटीन होती है जिसको हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं उसको फाइब्रिन में बदल देता है। मतलब कि ये जो थ्रोम्बिन है ये क्या करता है कि जो ब्लड की प्रोटीन होती है जिसको हम फाइब्रिनोजन प्रोटीन कहते हैं इसको फाइब्रिन में बदल देता है। ये फाइब्रिन क्या करता है कि बारीक जाल का निर्माण करता है और उसी जाल में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो फंस जाती हैं और वहां पे हमको एक थक्का जैसा दिखाई देता है। तो इसमें मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, कैल्शियम प्ले कर रहा है। लेकिन कैल्शियम के साथ साथ कौन है, विटामिन के भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो जो विटामिन के है ये अकेले फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जो कैल्शियम होता है वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करता है, थक्का बनने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इसमें फिफ्थ पॉइंट है कंट्रोल ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि जो हमारी मसल्स होती हैं, हाथ पैर पूरे शरीर में जो मसल्स होती हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है या फिर उनका जो फंक्शन होता है उसको भी ये रेगुलेट करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उस दौरान जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो एक तरह से उनमें अकड़न शुरू हो जाती है और उस दौरान एक रोग होता है जिसको बोलते हैं टिटैनी। टिटैनी नामक रोग होने की संभावना
बढ़ जाती है। तो ये किस वजह से होता है? कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अगर कैल्शियम प्रॉपर हमारे शरीर में है, जितनी आवश्यकता होती है एक व्यक्ति को, अगर उतनी कैल्शियम हमारे शरीर में है तो फिर किसी भी तरह की मसल्स की प्रॉब्लम्स नहीं होगी। जैसे अगर हम बात करें कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस दौरान उसके शरीर में कितना कैल्शियम होता है, तो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके शरीर में 27.5 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। मतलब कि 27.5 ग्राम कैल्शियम वो अपने साथ दे के पैदा होता है। और अगर हम एक एडल्ट की बात करें तो उसके शरीर में 1200 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। तो ये एक नॉर्मल रेंज होता है। अगर शरीर में इससे कम कैल्शियम हो रहा है, अगर बच्चे में ही अगर इतना कैल्शियम है, इसके बाद अगर उसके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, तो फिर वहाँ पे उसका प्रॉपर ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तो बच्चे का पूरा विकास बाकी होता है। उसके दांत बनना, उसके हड्डियों का विकास होना, उसका मानसिक शारीरिक विकास होना, सभी चीजें बाकी हैं। तो अगर उस दौरान इसको कैल्शियम कमी हो जाएगी तो बच्चे का प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। अगर एडल्ट की बात करें तो अगर एडल्ट में कैल्शियम की कमी हो रही है तो इसकी वजह से उसको बोन की समस्या हो जाएगी, उसको दांत की समस्या हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम इसमें 6 पॉइंट की बात करें तो 6 है इसमें, टू कीप हार्ट बीट बैलेंस। मतलब कि जो हमारा हृदय होता है उसकी जो हार्ट बीट होती है, हृदय की जो गति होती है, उसकी जो बीट होती है, उसको भी ये बैलेंस करने का काम करता है। किस तरह से करता है? जैसे इसके पहले हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, जो मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है उनमें हेल्प करता है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस होता है, मतलब संकुचन का प्रोसेस उसमें भी होता है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो जो हार्ट का प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है, एक सिकुड़ने और फैलने का प्रोसेस होता है, वो नहीं हो पाएगा। अब जब हार्ट प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, रिलैक्स नहीं हो पाएगा, तो जो इसकी हार्ट बीट है या फिर जो इसकी हार्ट की रिदम है, उसकी जो गति है, वो क्या होगी, प्रभावित होगी। तो इस तरह से अगर कैल्शियम प्रॉपर अमाउंट में है तो हार्ट भी अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हार्ट ही तो ऐसा ऑर्गन होता है जो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। अगर हार्ट में किसी भी तरह की दिक्कत हुई तो फिर पूरे शरीर में दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट इसमें 7th पॉइंट है, हेल्प्स इन सेंसिटिविटी ऑफ नर्व्स। मतलब कि जो कैल्शियम होता है ये एक तरह से नर्व की जो सेंसिटिविटी होती है उसमें भी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? जब कैल्शियम ब्रेक डाउन होता है तो ये एक सब्सटेंस बनाता है जिसको बोलते हैं एसिटोकोलीन। ये जो एसिटोकोलीन होता है ये एक चीफ जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उनकी तरह काम करता है। जो नर्व की सेंसिटिविटी होती है उनको ये एक नर्व से दूसरे नर्व तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये एक तरह से ये न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। तो ये मेन रोल कौन प्ले कर रहा है? कैल्शियम प्ले कर रहा है, क्योंकि जब कैल्शियम टूट रहा है तभी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बन रहा है। नेक्स्ट इसमें 8th है, टू कीप परमेबिलिटी ऑफ सेल्स मेम्ब्रेन्स। मतलब कि जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, अगर हम देखें तो ये सेल्स होता है। सेल्स में दो तरह के फ्लूड पाए जाते हैं, जैसे एक होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूड और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। तो जो सेल्स के अंदर फ्लूड होता है, कोशिका के अंदर फ्लूड होता है, इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूड, और जो बाहर होता है इसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। तो ये जो फ्लूड होता है ये इसकी जो परमेबिलिटी होती है इसको कैल्शियम कंट्रोल करके रखता है कि जो भी इंट्रा सेलुलर फ्लूड है या फिर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है वो एक बैलेंस में रहे। नेक्स्ट इसमें 9th पॉइंट है, हेल्प इन एंजाइम एक्शन। मतलब कि बहुत से ऐसे एंजाइम होते हैं जिनको ये एक्टिवेट करने का भी काम करता है। जैसे अगर हम बात करें तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड डाइजेशन के लिए जाता है तो उस दौरान कैल्शियम
फूड डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इसके साथ ही जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है जो पेनक्रियाज ग्लैंड के थ्रू सिक्रेट किया जाता है उसमें भी कैल्शियम हेल्प करता है। इसके अलावा जो कार्बोज है, फैट है, प्रोटीन है, इन सब के डाइजेशन में भी कैल्शियम हेल्प करता है। कैल्शियम होता है इसका सबसे ज्यादा फंक्शन होता है हमारी बॉडी में। अगर हम देखें तो सबसे जो खनिज लवण होते हैं, जितने भी खनिज लवण होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है हमारे शरीर में किसकी होती है, कैल्शियम की होती है। और इसी तरह से इसका काम भी सबसे ज्यादा होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे शरीर में देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैल्शियम के क्या क्या कार्य होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कैल्शियम के फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।